तो सामने बंदा है, आ जा बेटा सामने, ये ले ये गोली खा खा, मर 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 गया। हाँ और कोई है, और कोई है, आ जा बेटा तेरे को भी गोलियाँ पड़ेंगी, ये ले तू भी खा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचन मै गेमर में। मैं प्ले स्टोर पर ऐसे टहल रहा था तभी मेरे को ये इन्फिनिटी ऑप्स नाम का ये कुछ गेम मिला। मैंने सोचा चलो डाउनलोड करके खेल के एक बार देख लेते हैं, अच्छा हुआ तो उसके ऊपर और वीडियोस बनाएंगे। वैसे अभी मैं बहुत सारे गेम्स ट्राई करने वाला हूँ, सब बहुत सारे जितने जितने मेरे को गेम्स प्ले स्टोर के मिलेंगे मैं उतने सारे ट्राई करने वाला हूँ मैं अभी। और इसकी ग्राफिक्स देखो एक बार भैया, इतने हाई ग्राफिक्स में मैंने एपेक्स को भी नहीं खेला है, जितने हाई ग्राफिक्स में अभी खेल रहा हूँ इसमें। और गेम में ज़्यादा लैग वगैरह कुछ लग नहीं रहा था, तो मैं सबसे पहले तो अपना ये ट्यूटोरियल को कंप्लीट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी पहले मैच को स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी इधर क्या सेटिंग है मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैंने बस पहली मैच स्टार्ट कर दी। और अपने को ये कुछ अजीब व गरीब गन दे दी, गन कम तोप ज़्यादा लग रही है सच में यार। अगर पबजी के अंदर की तोप अगर ऐसे देखोगे ना, क्या बोलते हो पेलोड 2.0 की एफ पी में तो कुछ ऐसे ही लगते हैं। और सीओडी की वगैरह, सीओडी की तोप भी कुछ ऐसे ही लगती है। और इसके अंदर ऑटो फायर है। और ये हो गया मेरे रिकॉर्डिंग का ग्लिच, ना कि मेरे गेम का ग्लिच। गेम खेल रहा था तब स्मूथ ही चला था मेरे को तो। और ये कौन सा ग्लिच हुआ रिकॉर्डिंग का मालूम नहीं, लेकिन क्या है गेम सही होगी क्या, ये बिना क्रैश किए बिना कोई लैग किए चलेगी। चलो आगे देख लो भाई। तो इधर मैं दो तीन बंदों को मार देता हूँ। और इसके अंदर हीलिंग अपने खुद को करनी पड़ती है एपेक्स लेजेंड्स की तरह, ये मेरे को याद नहीं था, मेरे को पता नहीं था, इसके वजह से मर गया। मेरे स्पॉन होने के बाद वापस आता हूँ, तो मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, आगे बंदा होता है मेरे दिखने से पहले ही अपने आप स्कोप खोलने से पहले ही मर गया बंदा। ऑटो फायरिंग इसका बड़ा कमाल का है। और ये पीछे से कौन मार रहा है भाई, निकाल। और ये स्कोप को ऐसा कैसा हो गया भाई, नहीं दूसरे। और मैंने यहाँ पर कुछ बटन दबाया, उससे ये आ गया भाई, इसके अंदर मैं घुस जाता हूँ। और अब मैं मारूंगा बंदूक को, अपने को रोबोट मिल गया, मशीन गन मिल गई भाई, मशीन गन से आए भाई, खुदा पहाड़ निकला चूहा। ये क्या है भाई, कौन सी गन चिपका दी इस रोबोट में भाई, रोबोट में मशीन गन दे देते भाई, ये क्या टैप टैप वाली गन चिपका दी। उससे बेटर तो मैं बिना इसके लड़ लेता, लेकिन इससे अपने को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है, तो प्रोटेक्शन के लिए सही पहन लेते। अब इसमें ये बॉट लड़ रहे हैं या बंदे मेरे को नहीं मालूम। तो इधर एक बंदे को मारा, आगे एक सीढ़ियों की तरफ एक बंदा बैठा था, पीछे में चेक किया कि कोई है कि नहीं, और सीधा अंदर घुस गया सीढ़ियों वाले बंदों को मारने के लिए। इसको मारा तो ऊपर ये पीछे से एक और आ गया, ये देख लो भाई कहाँ कहाँ से आते हो भाई, एक जगह से आया कर, और ये ऊपर कौन था भाई। अब इसके पास जाके दबाया, मतलब हिम करने के लिए भी थोड़ी दिक्कत हो ही रही थी, मेरा एम बेकार है इसलिए शायद, ये फिर सेंसिटिविटी का कोई झोल, एम इसका सही है। और गन को रिलोड भी किया जा सकता है, वहाँ इतनी बड़ी गन दे दी लेकिन मशीन गन नहीं दी भाई, ये कौन सी गन है ये, अरे अच्छी खासी मशीन गन दे देते यार, मस्त मज़ा आ जाता मशीन गन अगर हाथ में होती तो। ये देखो ऊपर बैठा है, साले रुक तेरे को धोता हूँ अभी, इसको भी धोया। और आगे देख लो इसका टीममेट मर गया, हवा में कूदते मर गया, हवा में मर गया बेटा। अभी इधर ये दो नमूने थे, उन दो नमूनों को भी ख़त्म किया। अब मैच कब खत्म होगी भाई, इसमें कोई टाइमर वाइमर कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, समझ में ही नहीं आ रहा, बस बटन्स दिख रहे हैं मेरे को। और ये देखो एक और आ गया, निकल, ये खाएगा मेरी मार, इसको भी मार देता हूँ। और नीचे भी पूरी फाइट चली रही थी, और ये क्या ताली बजाने वाली आवाज़ आ रही है भाई, क्या फ्यूचर में ऐसी ताली बजाने वाली आवाज़ आती है गन चलाने के बाद, है गेम से बाहर आया तो पता चलता है कि हम गेम जीत चुके हैं। तो मैंने सोचा यार नाइस गेम है, नाइस गेम है, चलो अच्छी गेम है, इसको खेल में सकते हैं मस्त भी, इसमें बिल्कुल भी कोई लैग वैग हुआ नहीं। फिर यह हो जाता है, अबे ये क्या गेम ही क्रैश हो गया भाई। तो मैंने फिर से लगाया, मेरे को लगा शायद कोई ग्लिच विच हुआ होगा, उसकी वजह से एक बार मैच में
जो है गेम पूरा क्रैश हो गया यार। एक मैच खेलने के बाद शायद कोई ग्लिच विच हुआ, इसलिए ये सोच के मैंने फिर से गेम को स्टार्ट किया और फिर से एक बार इसकी एक मैच खेली। मैच को कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा शायद ग्लिच फिक्स हो गया, लेकिन ये क्या है भाई, ये ऐसी गेम है जो एक मैच खेलने के बाद क्रैश हो जा रही है। मैंने तो इस गेम को डिलीट कर दिया, इसका साइज 500 MB के आसपास का कुछ था, 500 MB का, मैंने भाई भुला ही दिया, दिमाग से निकाल ही दिया पूरा गेम, क्योंकि इसके ग्राफिक्स वगैरह तो अच्छे हैं, गेम प्ले भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें ऑटो फायर है प्लस जो इसको डिसेबल करना नहीं आता, इसमें स्किल का ज़्यादा यूज़ है ही नहीं। और ये जो है क्या बोल सकते हैं यार, मतलब क्रैश होते जा रहा है भाई, तो ऐसे क्रैश होने वाला गेम भला कोई क्यों खेलेगा, मैं तो नहीं खेलने वाला। मैंने इस गेम को डिलीट मार दिया, अब मैं इसको फिर से डाउनलोड तो करने वाला हूँ नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मत भूलना। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी दूसरे गेम की मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।